म्हारी छोरियां छोरों से कम है के। यह वाक्य छोरियों को हर मामले में आगे होने को दर्शाता है। लेकिन लड़कियां इतनी आगे निकल गईं कि वह छोरों पर चाकूबाजी करने लगी है, वह भी मात्र 1,000 रुपए के लिए। ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश के खरगोन के पीजी कॉलेज परिसर में, जहां एक छात्रा ने अपने साथी युवक के साथ पॉलिटेक्निक के छात्र पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। चाकू से हमले की वजह युवक से उधारी के 1,000 रुपए वसूलना था, लेकिन युवक जब रुपए देने पहुंचा, तब छात्रा के साथ उसके साथी ने विवाद किया और इस बीच छात्रा ने छात्र अरुण राणे को चाकू मार दिया, जो उसके बाजू पर लगा। हालांकि कोतवाली पुलिस ने घायल युवक का मेडिकल कराया है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। मेरी घटना 1,000 रुपए के ऊपर हुई थी। जैसे ये मेरे को रोज फोन लगा के परेशान करते थे। मैंने मेरी फ्रेंड से 1,000 रुपए लिए थे, तो इनको मैंने बोला कि मैं आज आपको 1,000 रुपए देता हूँ, पर ये लड़की पूजा प्रजापत ने मेरी मम्मी को फोन पे उल्टा उल्टा बोला और गालियाँ दी। बोले तुम्हारे लड़के ने मेरे से 8,000 रुपए लिए, नहीं देंगे तो खरगोन आएगा तो हाथ पैर तोड़ दूंगी कॉलेज आएगा। तो इनको आज मैं कॉलेज में पैसे देने आया, तो इसके बॉयफ्रेंड और ये वहाँ पे थे, तो इसके बॉयफ्रेंड को मैंने बोला कि मेरी मम्मी को कॉल करके सॉरी बोल देना तुम लोग, तो तुम्हारे 1,000 रुपए मैं दे रहा हूँ। इसके बॉयफ्रेंड ने हाँ बोल दिया और ये पूजा प्रजापत जैसे आई एक्टिवा से उतरी, इसने जेब में से चाकू निकाला और मेरे हाथ पे मारा, और इसके बॉयफ्रेंड ने मेरे को पकड़ लिया और दोनों मार के भाग गए और धमकी दे के गए। रिपोर्ट करी तो देखो जान से मार देंगे। मामला ये है कि एक अंदर का रहने वाला लड़का है जो कॉलेज में पढ़ता है, अरुण पिता भागीरथ राणे नाम है उसका। उसने थाना आकर रिपोर्ट किया कि मेरे साथ में पढ़ने वाली लड़की जिससे मैंने रुपये उधार लेते, रुपये उधार देने की बात को लेकर इनका आपस में विवाद हुआ। तो लड़की के साथ में एक लड़का था गोलू माहेश्वरी मेनगांव, उसके द्वारा उसके साथ गाली गलौज की गई और लड़की फरियादी का कहना है कि लड़की ने मुझे चाकू मारा जो उसकी भुजा पर लगा है। तो उसका मेडिकल कराया गया, रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खरगोन से फरीद शेख की रिपोर्ट।